स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत रूस संबंध को लेकर। हम इसमें जानेंगे इसके विभिन्न पहलू, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हमारे और भारत के राजनीतिक संबंध, रक्षा सौदों को लेकर और विभिन्न मुद्दों पर जो अभी बैठक हुई थी 75वीं वर्षगांठ को लेकर, उसके ऊपर हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं चर्चा में क्यों ये भारत हाल ही में भारत और रूस ने अपने राजनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई। हाल ही के महीनों में दोस्तों भारत और रूस दोनों ने मिलकर अपने राजनीतिक संबंधों को 75 साल पूरे होने पर 75वीं वर्षगांठ मनाई। देखते हैं भारत रूस संबंधों के विभिन्न पहलू क्या क्या है। सबसे पहले चलते हैं हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर, जानते हैं शुरुआत कैसे हुई, कैसे हमारे संबंध आज जो इतने मजबूत हैं, कैसे इस मुकाम तक पहुंचे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानते हैं, भारत और रूस के संबंध काफी पुराने हैं। अक्टूबर 2000 में भारत रूस सामरिक साझेदारी घोषणा पर हस्ताक्षर करने के बाद से भारत रूस संबंधों ने राजनीतिक सुरक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा सांस्कृतिक सहित द्विपक्षीय संबंधों के लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के बड़े हुए स्तरों के साथ एक गुणात्मक रूप से नया स्वरूप देखा गया है। अक्टूबर 2000 में जो दोस्तों हमारे भारत और सामरिक साझेदारी घोषणा हुई थी, उसी के बाद लगभग हमारे ये रिश्ते हैं जो इतने प्रकट हुए हैं, शुरू हुए हैं, ऐसे मजबूत बने हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के बीच एक मजबूत रणनीतिक, सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक संबंध थे। जो शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और रूस के बीच समय, उसमें भी भारत और रूस के बीच कुछ मजबूत रणनीतिक और सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक संबंध थे और स्थापित भी हुए थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को भारत के साथ अपने घनिष्ठ संबंध विरासत में मिले, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों ने एक सामरिक संबंध साझा किया। जो सोवियत संघ जो था उसके साथ भी हमारे उसी समय से हमारे भारत हमारे और रूस के मजबूत रिश्ते बनने लग गए थे। और सोवियत संघ का विघटन जब हुआ तब भी हमारे रूस के साथ हमारे साझेदारी वगैरह में हमारा मजबूत सहयोग होने लगा। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में खासकर पोस्ट कोविड परिदृश्य में संबंधों में भारी गिरावट आई है। जो हमारे कोविड से पहले के कुछ वर्ष थे और उस समय कुछ हमारे संबंधों में भारी गिरावट आई थी। इसका सबसे बड़ा कारण रूस के चीन और पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध। रूस के भी हाल ही में चीन और पाकिस्तान से संबंध बढ़ने लगे हैं और पोस्ट कोविड पीरियड में भी इसके बहुत अच्छे संबंध उनसे स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण भी हमारे रिश्ते रूस से थोड़े खटास में आने लगे थे, जिन्होंने पहले कुछ वर्षों में भारत के लिए कई भूराजनीतिक मुद्दों का कारण बना दिया है। हम जानते हैं पाकिस्तान और चीन के साथ हमारे जमीन को लेकर, हमारी बॉर्डर पर हमारे बहुत सारे मुद्दे बने हुए हैं और इस कारण से हमारे उनसे रिश्ते भी अच्छे नहीं रहते। हम जानते हैं कुछ राजनीतिक संबंध। भारत के प्रधानमंत्री और रूसी संघ के राष्ट्रपति के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी में सर्वोच्च संस्थागत वार्ता तंत्र है। इसका मतलब है भारत और रूस के जो रूसी संघ के राष्ट्रपति जो है हमारे, इनके बीच में जो वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ता तंत्र है। उसी में सारे अधिकांश जो हमारे मुद्दे हैं उन पर चर्चा होती है और विभिन्न मुद्दों पर भी बहस होती है और दोनों के बीच अच्छी साझेदारी और हमारे संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वर्ष 2018 में रूसी संघ के सोची शहर में अपना पहला अनौपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया। प्रधान यानी कि हमारे देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है और रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन ने 2018 में रूसी संघ सोची शहर में अपना पहला जो कि पहला अनौपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। भारत और रूस के बीच में दोनों ने मिलकर अपना पहला अनौपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ष 2019 में राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्रदान किया था। 2019 में यह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मिला था। रूस और भारत के बीच एक विशेषाधिकार प्राप्त
रणनीतिक साझेदारी के विकास को रूसी और भारतीय लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास में उनके विशिष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री को यह सम्मान प्रदान किया गया था। यानी कि जो प्रधानमंत्री के द्वारा रूस और भारतीय लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास हुआ है और उन्होंने जो अपना कार्यकाल में योगदान दिया है उसके लिए उन्हें यह योगदान उन्हें यह पुरस्कार रूस के द्वारा दिया गया था। तो अंतर सरकारी आयोग की वार्षिक बैठक होती है। भारत और रूस संबंधों को अच्छा करने के लिए तो अंतर सरकारी आयोग की भी एक वार्षिक बैठक होती है। पहला व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर और दूसरा सैन्य तकनीकी सहयोग पर। यानी कि जो हमारी पहली बैठक होती है, पहली अंतर सरकारी आयोग की बैठक होती है, वह होती है व्यापार को लेकर, आर्थिक क्षेत्र को लेकर, वैज्ञानिक तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग को लेकर। और जो दूसरी बैठक जो होती है वो होती है सैन्य तकनीकी सहयोग को लेकर, यानी कि सेना में तकनीकी वगैरह तकनीकी से जुड़े मुद्दों पर बैठक होती है। चलते हैं हमारे व्यापारिक संबंध की ओर। रूस रूस से दोनों देश वर्ष 2025 तक द्विपक्षीय निवेश को 50 अरब अमेरिकी डॉलर और द्विपक्षीय व्यापार को 30 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का जोर दे रहे हैं। यानी कि भारत और रूस ने हमारे द्विपक्षीय व्यापार और द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। वित्त वर्ष 2020 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 8.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। यानी कि 2020 में यह हमारा व्यापार द्विपक्षीय व्यापार जो रूस के साथ था वो था 8.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। 2013 से 2016 तक दोनों देशों के बीच व्यापार प्रतिशत में बड़ी गिरावट आई थी। 2013 से 16 का जो वर्ष के बीच में जो कार्यकाल था इसमें हमारे दोनों देशों के बीच में इसमें बड़ी गिरावट आई थी व्यापार प्रतिशत में। हालांकि 2017 से यह बढ़ा 2018 में और 2019 में लगातार वृद्धि देखी गई है। तो फिर 2017 से यह लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रूस और सुरक्षा संबंध। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग एक क्रेता विक्रेता ढांचे से विकसित हुआ है जिसमें उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के संयुक्त अनुसंधान विकास और उत्पादन शामिल है। यानी कि जो भारत और उसका सैन्य तकनीकी सहयोग ये एक तरीके से जो ग्राहक और दुकानदार के ढांचे के रूप में भी विकसित हुआ है। एक दे रहा है तो एक खरीद रहा है तो एक बेच रहा है और या फिर दूसरा बेच रहा है तो पहला खरीद रहा है। दोनों देश नियमित रूप से त्रिसेवा अभ्यास इंद्र आयोजित करते हैं। दोनों भारत और रूस के बीच में सैन्य अभ्यास भी होता है जिसे इंद्र कहते हैं। यह भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है वनडे एग्जाम्स में। भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य कार्यक्रमों में क्या क्या शामिल है इसको भी देख लेते हैं। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल कार्यक्रम यह शामिल है और पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू जेट कार्यक्रम। पांचवी पीढ़ी की लड़ाकू जेट कार्यक्रम यह भी भारत और रूस के संयुक्त सैन्य कार्यक्रमों में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। सुखोई SU-30 NKI कार्यक्रम भारत ये। अगला है इल्यूशन HAL सामरिक परिवहन विमान KA-226T ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और कुछ युद्धपोत। यह चारों पांचों भारत और रूस के संयुक्त सैन्य कार्यक्रमों में शामिल है। भारत द्वारा रूस से खरीदे पट्टे पर लिए गए सैन्य हार्डवेयर में शामिल है। यानी कि जो भारत ने रूस से खरीदे हैं या पट्टे पर जो सैन्य हार्डवेयर लिए उनमें क्या क्या शामिल है इसको देख लेते हैं। S-400 ट्रायम्फ मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में बनेगी 400 कामो KA-226 T-90S भीष्म टैंक INS विक्रमादित्य विमान वाहक कार्यक्रम। ये भारत ने चारों भारत ने रूस से खरीदे हैं और इनमें से कुछ पट्टे पर लिए हैं। रूस अपने पनडुब्बी कार्यक्रम में भारतीय नौसेना की सहायता करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि भारत जो अपने पनडुब्बी कार्यक्रम पर कार्य कर रहा है उसमें भी रूस भारतीय नौसेना की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय नौसेना की पहली पनडुब्बी फॉक्सट्रॉट क्लास रूस से ली गई थी। यानी कि भारतीय सेना की जो पहली पनडुब्बी थी फॉक्सट्रॉट क्लास यह भी रूस की मदद से ही या फिर रूस से ली गई थी।
परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम के लिए रूस पर निर्भर है, यानी कि भारत जो है अपने परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम पर कुछ हद तक रूस पर निर्भर है। भारत द्वारा संचालित एकमात्र विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य भी मूल रूप से रूस का है, जिसे हमने रूस से खरीदा था। भारत द्वारा संचालित 14 पारंपरिक पनडुब्बियों में से 9 की 9 रूस की है, यानी कि 14 में जो भारत में जो 14 पनडुब्बियां हैं हाल में उनमें से 9 रूस की ही पनडुब्बियां हैं जो हमने रूस से खरीदी है। भारत और रूस के बीच संबंधों के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र जान लेते हैं। परमाणु संबंध, यानी कि भारत और रूस के बीच जो संबंध है उनमें से एक हमारा क्षेत्र है परमाणु संबंध का क्षेत्र। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में रूस भारत का महत्वपूर्ण भागीदार है। यह भारत को एक मतभेद रहित अप्रसार रिकॉर्ड के साथ उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी वाले देश के रूप में मान्यता देता है, यानी कि रूस हमें एक उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी वाले देश के रूप में मान्यता देता है। कुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र JKNPP भारत में बनाया जा रहा है, जो रूस की मदद से बनाया जा रहा है। भारत और रूस दोनों बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना को स्थापित कर रहे हैं, यानी कि जो बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा है उसमें भारत और रूस दोनों मिलकर इसकी स्थापना में मदद कर रहे हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण में जानते हैं दोस्तों ये भारत और रूस के संबंधों के बारे में। दोनों पक्ष बाहरी अंतरिक्ष शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग करते हैं, जिसमें उपग्रह प्रक्षेपण, ड्रोनास, नेविगेशन प्रणाली, रिमोट सेंसिंग और बाह्य अंतरिक्ष के अन्य सामाजिक अनुप्रयोग शामिल है। यानी कि जो दोनों देश है भारत और रूस वो अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग करते हैं, जिसमें उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि सेटेलाइट लॉन्चिंग वगैरह, ड्रोनास नेविगेशन सिस्टम जो है उसमें भारत रूस की मदद करता है, रिमोट सेंसिंग बाह्य अंतरिक्ष के अन्य सामाजिक अनुप्रयोग यानी जो दोनों देशों के काम में आ सकते हैं, दोनों देश की मदद जिसमें दोनों देश एक दूसरे की मदद करते हैं। 19वें द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के क्षेत्र में संयुक्त तो गतिविधियों पर एक समझौता ज्ञापन इसरो और रोसकोस्मोस द्वारा किए गए। रोसकोस्मोस दोस्तों रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में देखते हैं, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में IRIGC टेक के तहत कार्य कर रहे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर कार्य समूह एकीकृत दीर्घकालिक कार्यक्रम ILDP और बुनियादी विज्ञान सहयोग कार्यक्रम द्विपक्षीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग हेतु तीन मुख्य संस्थागत तंत्र है, जबकि दोनों देशों की विज्ञान अकादमियां अंतर अकादमी आदान प्रदान हेतु इसे बढ़ावा देती है। यानी कि दोनों देश की जो विज्ञान अकादमी व अंतर अकादमी आदान प्रदान भी करती है और इसे कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, इस क्षेत्र में कई नई पहलों में भारत रूस ब्रिज टू इनोवेशन, टेली मेडिसिन में सहयोग, पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी निर्माण और विश्वविद्यालय ने के रूस इंडिया नेटवर्क शामिल है। यानी कि जो इस क्षेत्र में हमने भारत और रूस ने कुछ नई पहले की है, जिनमें भारत रूस ब्रिज टू इनोवेशन है, टेली मेडिसिन में सहयोग है भारत और रूस में, पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी है उसका निर्माण किया गया है दोनों देशों ने मिलकर, विश्वविद्यालय के कुछ के रूस इंडिया नेटवर्क में शामिल है, यानी कुछ विश्वविद्यालय ने भी रूस इंडिया नेटवर्क पर अपने इसमें सहयोग दिया है और इसको बढ़ावा देने में मदद की है। सांस्कृतिक संबंध को जान लेते हैं दोस्तों। सांस्कृतिक संबंधों में प्रमुख विश्वविद्यालय और स्कूलों सहित लगभग 20 रूसी संस्थान में नियमित रूप से लगभग 1500 रूसी छात्रों को हिंदी पढ़ाई जाती है। यानी कि हम संस्कृति जो है हम दोनों देश एक दूसरे को आदान प्रदान कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम में 20 रूसी संस्थानों में नियमित रूप से लगभग 1500 रूसी छात्रों को हिंदी पढ़ाई जाती है। हिंदी के अलावा रूसी संस्थानों में तमिल, मराठी, गुजराती, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, पाली जैसी भाषाओं को पढ़ाया जाता है। इस प्रकार से भाषाओं के आदान प्रदान से भी सांस्कृतिक आदान प्रदान की कोशिश और इसको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। भारतीय नृत्य, संगीत, योग, आयुर्वेद कुछ अन्य रुचियों में से है जिनका रूस के लोग रुचि रखते हैं। यानी कि भारतीय नृत्य जो है, भारतीय संगीत जो है, भारत का जो योग है और भारत
का जो आयुर्वेद है कुछ अन्य रुचियों में से ऐसी रुचि है जिनका रूस के लोग भी रुचि रखते हैं और इनको सीखने में रुचि दिखाते हैं, और रूस में भी इनको विश्वविद्यालयों या फिर संस्थानों में नियमित रूप से सिखाया जाता है। भारत के लिए रूस का महत्व क्या है जानते हैं दोस्तों? भारत और रूस में जो संबंध बढ़ रहे हैं उनके पीछे क्या महत्व क्या है, उनके पीछे कुछ महत्व होगा तभी हम भारत के लोग, भारत की सरकार रूस की सरकार के साथ अपना रिश्ते अपने संबंध मजबूत करके रखी हुई है। चीन को संतुलित करना जो हमारा प्रमुख उद्देश्य है वो है चीन को संतुलित करना। देखिए दोस्तों, हमारी विदेश नीति रही है कि देश पहले और सब बाद में, यानी कि हमारे देश का फायदा पहले होगा और दूसरी चीज़ें बाद में, और इसीलिए हमारा किसी भी देश के साथ इसीलिए संबंध होते हैं ताकि वो अपने देश का उसमें से कुछ फ़ायदा कर सके या अगर उससे कुछ फ़ायदा हो सके तो उसको फ़ायदा उठाए। इसीलिए हमारे भी रूस के साथ कुछ महत्व जुड़े हुए हैं, उसमें से यही चीन का संतुलित करना यह भी हमारा एक महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख महत्व है। पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन के आक्रमण ने भारत चीन संबंधों को एक मोड़ पर ला दिया है। इससे यह प्रदर्शित हुआ कि रूस चीन के साथ तनाव को कम करने में योगदान दे सकता है, यानी कि पूर्वी लद्दाख का क्षेत्र है, इससे यह भी प्रदर्शित हुआ है कि रूस चीन के साथ तनाव को कम करने में योगदान दे सकता है। इसको देखते हैं दोस्तों, हम नेट पर देखते हैं ये वाला एरिया है, यहाँ पर भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है उसमें देखा गया है कि रूस के साथ अगर हम चाहें तो रूस के साथ संबंध हमारे मजबूत होने से हमारे इस तनाव में थोड़ी कमजोरी आ सकती है। इसमें तनाव को कम करने में रूस ने इसमें योगदान भी दिया है कुछ, और इसलिए हमारे संबंध भी रूस से थोड़े महत्वपूर्ण हैं। मैप पर देखते हैं दोस्तों, जो ये वाला भाग है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो भारत और चीन के बीच में अक्षय चीन वगैरह को लेकर जो लद्दाख का पूर्वी भाग है यहाँ पर हमारे बीच में तनाव रहता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, गलवान घाटी वगैरह जो यहीं पर स्थित है इसमें लेकर हमारे पूर्वी भारत और रूस के बीच में तनाव बना रहता है। पढ़ते हैं फिर से हमारे टॉपिक की ओर। लद्दाख के विवादित क्षेत्र में गलवान घाटी में घातक झड़पों के बाद रूस ने भारत और चीन के विदेश मंत्री के बीच एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की, यानी कि जो गलवान घाटी में लद्दाख के विवादित क्षेत्र गलवान घाटी में जो भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो झड़प हुई थी या फिर जो मुद्दे उठे थे और जो वहाँ पर सैनिकों के बीच लड़ाई और झगड़े हुए थे झड़पों में, रूस ने चीन और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की थी ताकि वह इस मुद्दे को शांत कर सके या इसमें समझौता कर सके। आर्थिक टूटा के ऊपर थे नए क्षेत्र पढ़ते हैं दोस्तों इस पहलू की तरफ, और इस जानते हैं कि आर्थिक जुड़ाव के ऊपर थे नए क्षेत्र क्या है और इससे क्या भारत और रूस को फायदा हो रहा है। हथियार, हाइड्रोकार्बन, परमाणु ऊर्जा और हीरे जैसे सहयोग के पारंपरिक क्षेत्रों के अलावा आर्थिक जुड़ाव के नए क्षेत्रों में उभरने की संभावना है। खनन, कृषि, औद्योगिक और उच्च प्रौद्योगिकी जिसमें रोबोटिक्स, नैनो टेक और बायोटेक शामिल है, यानी कि भारत और रूस जो नए उभरते क्षेत्र हैं और जो नए उभरने की संभावना है इन क्षेत्रों की, उसमें भी एक दूसरे का आर्थिक रूप से सहयोग और एक दूसरे से की मदद कर रहे हैं। रूस के सुदूर पूर्व आर्कटिक में भारत के पद चिन्हों का विस्तार होना तय है, यानी कि भारत आर्कटिक क्षेत्र में भी जाकर वहाँ पर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, वहाँ पर नए शोध संसाधन वगैरह पर कार्य कर रहा है और वहाँ पर जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उनको बढ़ावा मिलने की पूरे बढ़ावा मिलने के पूरे ये रूस के सुदूर पूर्व आर्कटिक में भारत के पद चिन्हों का विस्तार होना तय है। इससे भारत में कनेक्टिव प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिलेगा जो कि भारत आर्कटिक क्षेत्र में चलाने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आतंकवाद का मुकाबला। भारत और रूस
मिलकर आतंकवाद के मुकाबले में भी एक दूसरे के साथ खड़े हैं। भारत और रूस अफगानिस्तान के बीच खाई को पाटने हेतु कार्य कर रहे हैं और दोनों देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने का आह्वान किया गया है कि भारत और रूस एक साथ मिलकर आतंकवाद विरोधी कार्यक्रमों और इस पर व्यापक सम्मेलन का आयोजन करने का आह्वान कर रहे हैं। और अफगानिस्तान के बीच में जो खाई है, अफगानिस्तान में जो चल रही है प्रॉब्लम वगैरह, उसको भी निपटने और उसको सुलझाने में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। बहुपक्षीय मंचों पर समर्थन। इसके अतिरिक्त रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। रूस का सैन्य निर्यात की तरफ देखते हैं दोस्तों। रूस भारत के लिए सबसे बड़े हथियार निर्यातकों में से एक रहा है। भारत जो अधिकतर अपने हथियार खरीदता है वह रूस से खरीदता है और यह रहा है हाल ही के दिनों में। इसमें अमेरिका से लेकर कुछ चेंज हुआ है दोस्तों, वरना अभी तक जो था वह रूस ही हमारा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश था या हथियार आपूर्तिकर्ता देश रहा है। यहाँ तक कि पिछले 5 वर्षों 2011 से 15 की तुलना में पिछले 5 साल की अवधि में भारत के हथियारों के आयात में रूस की हिस्सेदारी 50% यानी 50% से अधिक गिर गई। यानी कि पिछले 5 वर्षों में 2011 से 15 की तुलना में पिछले 5 साल की अवधि में भारत के आयात रूस की हिस्सेदारी मतलब कि रूस की जो अब हम दूसरे देशों से भी मंगाने लगे हैं, जो इसलिए हमारी 50% से अधिक की गिरावट भी इसमें दर्ज हुई है। हमारा इसमें अमेरिका और इनका प्रभुत्व भी बढ़ा है वह अन्य देश जिनसे हम हथियार मंगा सकते हैं, इसराइल से, इनमें भी हमारे आयात वगैरह में बढ़ोतरी हुई है। वैश्विक हथियारों के व्यापार पर नजर रखने वाले स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार पिछले 20 वर्षों में भारत ने रूस से 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हथियार आयात किए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पहलू की ओर, रूस का सैन्य निर्यात। रूस भारत के लिए सबसे बड़े हथियार निर्यातकों में से एक रहा है। यहाँ तक कि पिछले 5 वर्षों में 2011 से 15 की तुलना में 15 की तुलना में पिछले 5 साल की अवधि में भारत के हथियारों के आयात में रूस की हिस्सेदारी 50% से अधिक गिर गई है। ठीक बढ़ते हैं दोस्तों आगे आगे की राह। जैसे कि हमने यहाँ तक देखा है रूस और भारत के संबंधों के बारे में, इसमें हमने देखा है कि भारत के लिए महत्व क्या है हमारे और क्या क्या कार्यक्रम हमारे दोनों देश के बीच में चल रहे हैं ताकि इन संबंधों को मजबूत बनाया जा सके। हम सैन्य सैन्य सहायता किस प्रकार से एक दोनों देश एक दूसरे की कर रहे हैं, इस प्रकार हमने देखा कि विभिन्न पहलू देखे भारत और रूस संबंधों के, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी। अब जानते हैं आगे की राह, यानी समय पर रखरखाव सहायता प्रदान करने के लिए रूस आगे दोनों के बीच में क्या है, आगे क्या कार्यक्रम है, कैसे हम आगे के संबंध स्थापित होने वाले हैं और इन दोनों देश ने एक दूसरे को साथ साथ एक दूसरे के साथ को लेकर क्या महत्वपूर्ण कार्यक्रम किए हैं और आगे होने वाले हैं। भारतीय सेना के साथ सेवा में रूसी हार्डवेयर की बड़ी सूची के लिए पूर्व की समय पर आपूर्ति और समर्थन भारत की ओर से एक प्रमुख मुद्दा रहा है। इसे संबोधित करने के लिए रूस ने वर्ष 2019 में हस्ताक्षरित एक अंतर सरकारी समझौते के बाद इसे संबोधित करने के लिए अपनी कंपनियों को भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति देते हुए विधायी परिवर्तन किए हैं, यानी कि जो कानूनी परिवर्तन भी उसने किए हैं ताकि वहाँ की जो कंपनियां हैं वो भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित कर सके और भारत में जो रूसी हार्डवेयर है सेवा में सेना के सेना भारतीय सेना में जो रूसी हार्डवेयर है उनकी मतलब आपूर्ति और हो सके। इस समझौते को समयबद्ध तरीके से लागू करने की जरूरत है इस समझौते को समयबद्ध तरीके से लागू करने की जरूरत है ताकि यह कार्य जल्दी हो सके और समयबद्ध तरीके से लागू होगा तो भारत और रूस के बीच संबंध है वो भी मजबूत होंगे। एक दूसरे के महत्व को स्वीकार करना रूस आने वाले दशकों तक भारत के लिए प्रमुख रक्षा भागीदार बना रहेगा। जैसा कि दोस्तों आप देख ही रहे होंगे, चाहे गिरावट जरूर हुई है हमारे सैन्य
आयात निर्यात में, परंतु फिर भी रूस हमारा एक महत्वपूर्ण रक्षा भागीदार अभी भी है और अगले कुछ दशकों तक भी बना रहेगा। दूसरी ओर रूस के चीन वर्तमान में अर्ध गठबंधन में है। रूस और चीन अर्ध गठबंधन में है। रूस बार बार दोहराता है कि वह खुद को किसी के कनिष्ठ साझेदार के रूप में नहीं देखता है, इसलिए रूस चाहता है कि भारत एक संतुलक की तरह काम करे। यानी भारत अगर रूस के साथ काम करेगा तो मतलब वो संतुलन की तरह काम करेगा, ताकि रूस चीन के बीच में गठबंधन ज्यादा मजबूत ना हो पाए, क्योंकि हमारे चीन से संबंध नहीं है कि वह हमें कोई फायदा दे, या क्योंकि हमारे विभिन्न क्षेत्रों में हम भारत और चीन के बीच में हमेशा कुछ विवाद बने रहते हैं, और खास करके सीमा क्षेत्रों में। संयुक्त सैन्य उत्पादन, जानते हैं दोस्तों संयुक्त सैन्य उत्पादन में किस प्रकार ये दोनों देश एक दूसरे के महत्वपूर्ण काम आ रहे हैं और काम आ सकते हैं। दोनों देश इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि वे तीसरे देशों को रूसी मूल के उपकरणों और सेवाओं के निर्यात के लिए भारत को उत्पादन आधार के रूप में उपयोग करने में कैसे सहयोग कर सकते हैं। यानी कि जो भारत और रूस ने इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि किसी तीसरे देश को अगर रूसी मूल के उपकरणों को और सेवाओं को निर्यात करें तो भारत को उत्पादन आधार के रूप में, यानी कि भारत किस प्रकार से उपयोग में सहयोग में ला सकते हैं और भारत किस प्रकार से इस काम में सहयोग कर सकता है कि वह रूसी मूल के उपकरणों को तीसरे देश को यहाँ हमारे यहाँ से या भारत के उत्पादन के आधार पर उपयोग करने में मदद कर सके। क्योंकि अभी जो रूस और भारत रूस के ऊपर जो यूक्रेन रूस जंग की वजह से यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से जो सैंक्शन लगे हैं, उसमें रूस चाहता है कि भारत उसकी मदद करे और वह उसके आयात या निर्यात में मदद करे। प्रकार दोस्तों हमने देखा कि भारत और रूस के संबंध में क्या महत्वपूर्ण पहलू हैं, क्या महत्वपूर्ण राजनीतिक संबंध है, या पहलू क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, चर्चा में क्यों है ये, और इसके विभिन्न पहलुओं पर जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जो कि मेंस यूपीएससी मेंस में पूछे जा सकते हैं, पर चर्चा की है। और सैन्य कार्यक्रमों को लेकर भारत और रूस के संबंध में जो सैन्य कार्यक्रम है, जो सैन्य कार्यक्रम हुए हैं, रूस ने भारत की जो मदद की है, या ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, और इसी के अलावा बहुत सारे S-400 जो हम सुना S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है हमारा, जो हम रूस से लिया है, उसको लेकर हमने जो चर्चा की है, और जो सांस्कृतिक संबंध है, इन सभी को लेकर हमने इसमें चर्चा की है। तो इस प्रकार हमारा यह टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगले टॉपिक में मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।